हरे कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं चिटचिटा नाम की औषधि के बारे में, जिसे अपमार्ग कहते हैं। ये हमारे घरों के आसपास में अपने आप उगने वाले पौधे होते हैं और आयुर्वेद में बहुत ही गुणकारी औषधि के रूप में जानी जाती है। इसके फूल, पत्ती, जड़, तने, बीज सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ये स्वाद में कड़वा तथा तीखा होता है। दो प्रजाति का होता है, एक सफ़ेद डंठल और एक लाल डंठल वाला। तो सफ़ेद डंठल वाले को ही ज़्यादातर उपचार के लिए लिया जाता है। ये गर्म प्रकृति का होता है, त्रिदोष शामक होता है और दर्द निवारक होता है। स्वाद में बहुत ही तीखा और कड़वा का से लाइस तरह का होता है, रुचिकर होता है वैसे का। तो आइए जानते हैं इसके गुण तथा लाभ के बारे में। दांतों में खून आने की समस्या है या फिर मसूड़ों में खून आने की समस्या है, दांतों में दर्द है, तो उसके लिए रामबाण औषधि के रूप में देखी गई है। उसके लिए इसके जो जड़ होते हैं, इसकी पत्तियां होती हैं, उसको सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर उसमें नमक मिलाकर दांतों में मिलने से दांत के जो दर्द है उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा अपमार्ग के जो डंठल होते हैं ना, उसे तोड़कर दातुन के रूप में दांत में करने से भी दांत दर्द में आराम मिलता है, काफ़ी आराम मिलता है। रक्त प्रदर या फिर रक्त स्त्राव में अपमार्ग बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है। उसके लिए इसके जो जड़ है और पत्तियां हैं, इसको पीस करके इसका पाउडर बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर सुबह शाम लेने से आराम मिलता है। इसके अलावा अपमार्ग के जो पंचांग होते हैं, उसके रस में मिश्री मिलाकर लेने से, काढ़े की तरह लेने से भी आराम मिलता है। जिनको भी सर्दी, खांसी, दमा या अस्थमा की शिकायत है, तो उन्हें अपमार्ग के जड़ तथा बीज के चूर्ण में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम लेने से आराम मिलता है। और इसके अलावा अपमार्ग के जो पंचांग का भस्म है या फिर पंचांग का भस्म बना लीजिए और उसमें शहद मिला दीजिए और उसको दोनों टाइम सेवन करने से जो कुकुर खांसी बोलते हैं जिसको, उसमें बहुत ही लाभ मिलता है। तो इस तरह से इसका सेवन कर सकते हैं। स्त्रियों ने दर्द इन्फेक्शन को दूर करने के लिए अपमार्ग के जो पंचांग का जो चूर्ण होता है या फिर अपमार्ग के पंचांग को पीस लीजिए और फिर उसको लेप कीजिए वहाँ पर, तो फिर उससे इन्फेक्शन दूर हो जाता है और दर्द से राहत मिलती है। तो इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अपमार्ग और पुनर्नवा की जो जड़ होती है, उसे जल में घिस कर, पानी में घिस कर उसका लेप करने से, वहीं पे लेप करने से जहाँ पे दर्द हो रहा है, तो प्रसव पीड़ा में जहाँ पे दर्द